हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एफसीआई में जो मैनेजर अकाउंट्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पे आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सारे जो इससे जुड़े हुए एग्जाम से इनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो, ये आपका एफसीआई कैटेगरी टू यानी मैनेजर्स की वैकेंसी आई है और ये जोन वाइज रिक्रूटमेंट होता है इस पे। ठीक है, तो इसमें जनरल, डिपो, मूवमेंट अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इन सारी की वैकेंसी आई है और इस पे जो है आपका बेसिक पे रहेगा 40,000 एंड 140। मतलब आप समझिए कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 75,000 रुपये आपको सैलरी बनने वाली है। मेरे एक मित्र भी हैं, एफसीआई में मैनेजर हैं, एक दो दोस्त हैं जो एजीएम भी हैं। मैं मैनेजर साहब से बात करके एक इंटरव्यू उनका कंडक्ट कर लूँगा, वो आपको समझा देंगे। जो AG3 की वैकेंसी आई है उसको हम दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपको 75,000 के अराउंड आपका पेमेंट बनने वाला है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। ये जोन वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। तो नॉर्थ जोन में आपको बोला गया है मैनेजर जनरल 28 साल की एज, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 1 और वो है OBC की। मैनेजर डिपो की टोटल वैकेंसीज हैं 4 और 2 है OBC, 1 ST, 1 SC और मैनेजर मूवमेंट 5 है टोटल वैकेंसी, 1 अनरिजर्व और 1 EWS की, सॉरी 4 अनरिजर्व। और मैनेजर अकाउंट्स की है 14 वैकेंसीज, 6 है अनरिजर्व, 2 EWS के लिए, 2 OBC के लिए और 2 ST के लिए रिजर्व। ठीक है, इसी तरीके से मैनेजर टेक्निकल, तो आप ये वैकेंसीज देख लें। अब ये जोन वाइज क्या है, इनमें से आप कोई एक ही जोन चुन सकते हैं। ठीक है, जब आप जोन चुनेंगे तो एक ही जोन के हिसाब से आप पेपर में बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 है साउथ जोन में अकाउंट्स का, इसमें 1 ST का है, 1 SC का है। उसके अलावा वेस्ट जोन जो है, यहाँ पर अकाउंट्स की बात करें तो 5 वैकेंसी, 2 OBC, 1 EWS, 1 ST और मैनेजर जनरल और मैनेजर डिपो का भी है। और ईस्ट जोन में फिर बात करें तो इसी तरीके की वैकेंसीज हैं, मैनेजर अकाउंट्स की 10 है, 3 SC, 3 ST, 3 OBC और 1 EWS। और नॉर्थ ईस्ट जोन, यहाँ पे भी इसी तरीके की वैकेंसी दी गई। अब इसके हम एलिजिबिलिटी के बारे में चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैनेजर जनरल अगर है तो यहाँ पे अगर आपके पास है ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60%, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं और अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% है तो आप मैनेजर जनरल के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एज आपकी होनी चाहिए 28 साल। कब? 1 28 साल से कम होनी चाहिए। कब? 1/8/2022 को। ये सारी चीज़ें आपके पास 1/8/2022 को होनी चाहिए। या फिर आप CA हैं, CWA हैं या CS हैं। इस केस में आपको परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ये डिग्री है तो आप मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको 55% रहेगा 60% की जगह। दूसरा, अगर आप मैनेजर डिपो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट डिग्री या आप 60% है आपका ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CA, CWA और CS है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजर मूवमेंट, सेम ग्रेजुएशन में 60% और CA, CWA, CS है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैनेजर अकाउंट्स, इसमें मोस्टली CA, CS और CWA फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए। भाई CA, CWA, CS आप तीनों आ सकते हैं और अथवा, ठीक है, अगर ये है तो CA, CS, CWA है तो आप पहले कर लेंगे। फिर अगर ये नहीं है, CA, CS या CWA अगर आप नहीं है तो आप BCom होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड BCom के साथ
पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री, आपके पास फुल टाइम फाइनेंस होना चाहिए रेगुलर, ठीक है, फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा, और डिप्लोमा मिनिमम इयर्स 2 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी AICTE, ये होगा तो ही, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री, डिप्लोमा नॉट इन नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी AICTE, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस एमबीए डिग्री, डिप्लोमा बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी AICTE बीसी ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। कुल मिला के आपके पास बीकॉम तो होना जरूरी है, और बीकॉम के साथ अगर आपके पास एमबीए है तो आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैनेजर टेक्निकल वगैरह का दिया हुआ है, ये इसमें जो स्पेसिफिक है वो जा सकते हैं। अब आगे आते हैं, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, ठीक है, आप किसी भी जोन पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इधर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, एज पर द वैकेंसीज आप किसी भी जोन पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही जोन पे अप्लाई करेंगे। एंड अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट इन द ऑप्टेड जोन ओनली, मतलब जैसे मान लीजिए आपने नॉर्थ जोन चुना, ठीक है, तो अगर आपने इसमें आपको अकाउंट्स में करना है तो आप सिर्फ एक जोन में एक ही वैकेंसी, मतलब पहली बार तो आप एक ही जोन में फिल कर सकते हैं, दूसरा आप एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप जनरल के लिए भी कर दें, अकाउंट्स के लिए भी कर दें, पॉसिबल नहीं। उसके बाद आगे आते हैं, आपके पास सारी चीजें कब होनी चाहिए, आपके पास 1 अगस्त 2022 के दिन आपके पास आपका क्वालिफिकेशन यानी आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज, एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है वैसे, और एज में जो है बेनिफिट मिल जाएगा एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी को 5 और 3 साल का रेस्पेक्टिव। सेलेक्शन प्रोसेस, सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, तो आप समझिए ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट फेज 1 और फेज 2 में होगा। फेज 1 की अगर बात करें तो फेज 1 जो होगा वो सबका सेम होगा, एक घंटे का पेपर होगा फेज 1 का, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 25, और जनरल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी 8वीं तक के लेवल का, और करेंट अफेयर के क्वेश्चन 5 रहेंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर का पेपर होगा, और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई स्पेशलाइज्ड, ये सबके लिए कॉमन पेपर होगा, ठीक है, जितनी भी स्ट्रीम है सबके लिए कॉमन पेपर होगा, और निगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सारी चीजें आपको पता ही है। अब अगर बात करें तो ये जो फेज 1 होगा ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इससे आपका, जैसे फेज 1 में जो लोग कट ऑफ जाएगा उसमें से मान लीजिए आपकी 10 वैकेंसीज है, तो उसके लिए फेज 2 में जो बच्चे जाएंगे वो 150 बच्चे जाएंगे, यानी 15 times जितनी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना बच्चों को फेज 2 में भेजा जाएगा। फिर फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज इन 3 में, जनरल में, डिपो में और मूवमेंट में, सिर्फ पेपर 1 होगा, सिर्फ पेपर 1 जनरल, डिपो और मूवमेंट, और अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें पेपर 1 और 2 होगा, मतलब 2 पेपर होंगे फेज 2 में, 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फेज जो पेपर 1 होगा वो कैसा होगा, पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 90 मिनट का टाइम होगा,
और पोस्ट स्पेसिफिक पेपर जो होगा फेज टू में, पेपर नंबर टू, इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और आपको कितने मिनट का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन फेज टू एग्जामिनेशन, और यही वजह होती है कि एफसीआई का कट ऑफ हाई चला जाता है। आपका फेज टू में किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, फेज वन में होगी, फेज टू में नहीं होगी। अब पेपर वन की बात कर लेते हैं। पेपर वन जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर, 20 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा आपको। और देखें इसमें लिखा हुआ ड्यूरेशन, तो मतलब आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, फिर इंग्लिश का खत्म हो जाएगा, तो रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 20 मिनट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स और जनरल स्टडीज, जो आपने फेज वन में पढ़ा होगा वही आपको यहाँ पर फेज टू में मिलेगा। ठीक है, ये आपका 45 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का, 90 मिनट का टाइम होगा। और पेपर टू जो होगा उसका ड्यूरेशन 60 मिनट होगा और 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा, 60 नंबर के 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप अगर अकाउंट्स का पेपर देंगे, मैनेजर अकाउंट्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो 60 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जनरल अकाउंट एंड फाइनेंस अभी देखेंगे हम इसमें, आइए पेपर टू के बारे में डिस्कस करते हैं। मैनेजर अकाउंट्स ये 60 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, 2 नंबर के और 120 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जर्नल, लेजर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, उसके अलावा आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी शेड्यूल 3, उसके अलावा आपका कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ये सारी चीजें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग एंड रेशियो एनालिसिस। ठीक है, ये टैक्सेशन, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न, TCS, TDS, एडवांस टैक्स एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा लिख के आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन सैलरी वगैरह हेड से भी आते हैं चीज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कंसेप्ट्स एंड मेथड्स, जो ऑडिटिंग के बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिटिंग क्या है, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ कंपनीज, बेसिकली ये कंपनी ऑडिट की बात। फिर कॉमर्शियल लॉज में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, देखो कंपनीज एक्ट में तो कितने 470 के आसपास सेक्शंस है ना, ये सारा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सेल्स ऑफ गुड्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड RTI एक्ट, ये 6 एक्ट है, और ये 6 एक्ट समझिए कि यहां से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा 6वां पार्ट जो है ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स, ईमेल, मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल, पोर्टेबल, चैट्स, ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड नेटवर्क। ठीक है, तो अगर आप, मैं बात करूं तो अगर आप 60 क्वेश्चन आने हैं तो 10 क्वेश्चन आपको लगभग कंप्यूटर से मिल जाएंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, कॉमर्शियल लॉ, ऑडिटिंग वाले पोर्शन। ठीक है, तो ये चीज आप समझें कि 60 में से लगभग 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के दिख सकते हैं। अगर आपको ये फाइनेंस अकाउंटिंग वाला पोर्शन करना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आपको नोट्स, वीडियोस, ठीक है, क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिटेल के साथ। ठीक है, और जैसे अभी उसमें ये एक्ट है जो, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये फेज टू में आपका एप्लीकेबल होगा। आगे और बातें कर लेते हैं जो भी। उसके बाद फेज टू में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज वन ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनको फेज टू के नंबर से बुलाया जाएगा। ठीक है, फेज टू में जो उनको नंबर आएंगे उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स, देखो फेज वन में मान लो अपनी वैकेंसी है
वैकेंसी, ठीक है। तो फेज वन देने के बाद 15x15 यानी 225 लोगों को फेज टू में बुलाया जाएगा, और फेज टू देने के बाद अगर 15 वैकेंसी है तो 45 लोगों को, कम से कम 45 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा काम। इसके बाद हाँ, यहाँ पर आपको 1 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा 3 साल के लिए, कि भाई 3 साल से पहले आप छोड़ेंगे नहीं, 3 साल से पहले छोड़ के जाएंगे तो 1 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनको देख सकते हैं। पोस्टिंग्स के लिए जगह दी है। और 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है, एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग GST 800 कुछ रुपये आपको लगेंगे इसमें। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें, फोटो, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड में करना है, बताइए वो बता रहे हैं। टेंटेटिव शेड्यूल आपका, देखें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 27 तारीख से स्टार्ट हो गया, आप कब तक फिल कर सकते हैं? 26 सितंबर तक कर सकते हैं, 4 बजे तक, 4 बजे के बाद नहीं। अब 26 सितंबर में लोग रात को 8 बजे से शुरू करते हैं, बोले 12 बजे तक फिल कर लेंगे, 4 बजे बंद हो जाएगा शाम को, ध्यान रखना। तो पहले ही फिल कर लेना, इंतजार क्यों करना फिर। 10 दिन पहले आपका अनाउंस हो जाएगा कॉल लेटर, और ऑनलाइन टेस्ट यानी फेज वन का जो है वो लगभग आपका दिसंबर मंथ में, आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर दिसंबर में आपका पेपर होता है तो जो AGM का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने 15 दिन में दे दिया था, ठीक है। तो पीयूष गोयल के मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ पर थोड़ी तेजी आ गई है, तो आपका रिजल्ट अगर दिसंबर में होगा तो जनवरी में आ जाएगा, और फिर हो सकता है कि आपका फरवरी या मार्च में फेज टू भी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, मतलब जो भी, जैसे अगर आप OBC हैं तो वो सर्टिफिकेट, या आप EWS हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास। EWS वाला सर्टिफिकेट आपका कब का होगा? आपका 1/4/2022 के बाद का इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है, और वो वैलिड होना चाहिए 22-23 के लिए, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि वैध इतने के लिए, ठीक है, तो ये वैलिड होना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। तो ये डिस्कस हमने किया। आप अगर कोई क्लासेस करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, फाइनेंस और अकाउंट से जुड़ा हुआ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा FCI AG 3 की भी वैकेंसी आई है, असिस्टेंट ग्रेड 3, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।